नमस्कार मम्मी अम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं पंगास मछली बना रही हूँ और झमरुआ मछली झमोड़ के बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी मैं। और ये मसाला है, इसके अंदर सरसों, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन, अदरक नहीं है, मछली में अदरक नहीं डालते, और लाल मिर्च, हल्दी, सरसों, लहसुन, लाल मिर्च इसके अंदर है और काली मिर्च। अब मैं इसे मिला रही हूँ। और ये फिश, इसको पंगास बोलते हैं। तो ये पहले के टाइम में ऐसे ही मछली बनती थी गांव में, सारे मसाले उसके अंदर मिला करके, और बहुत ही स्वाद होता था उसमें। इसे झमरुआ मछली बोलते हैं गांव में। दिन बाद मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, देखिए मेरे से संभल रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, आप देखिए, देख करके बताइए सही बनाई हूँ या गलत। क्योंकि बहुत दिन पहले मैं गांव में सासू माँ को बनाते हुए देखती थी। और ये नमक, सासू माँ मछली खाती नहीं थी लेकिन बनाती जरूर थी, अपने पति के लिए और बच्चों के लिए बनाती थी, तो उनसे मैं सीखी थी। और ये मेथी है, ये तेल गरम होने के लिए डाली हूँ, तेल गरम हो गया तो इसके अंदर मैं मेथी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। सारे मसाला इसके अंदर मिला देना है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से मिल जाए। तेल गरम हो गया है, अब उसमें मैं डाल रही हूँ। इसमें करछी नहीं लगाते हैं, इसे उठा के ऐसे 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 झमड़ते हैं, इसीलिए झमड़ुआ बोलते हैं। और ढक्कन नहीं लगाते, सरसों के मसाला में ढक्कन नहीं लगाते, नहीं तो कड़वा हो जाता है। तो देखिए कैसे खदखद हो रही है, और फिर इसे उठा करके थोड़ा झमड़ देना है। और थोड़ा थोड़ा इसके नीचे से हल्का से ऐसे कि इसका पीस टूटे ना। ये बिल्कुल पलटा जाता है, लेकिन इसके अंदर तेल ज्यादा और पानी थोड़ा छोड़ दिया है, तो ये सब सूख जाने के बाद ये बिल्कुल ऐसे पलटा जाता है। देखिए हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन गांव में ऐसे ही वो लोग बनाते थे, चूल्हे पे बनाते थे तो पानी जल्दी सूखती थी, और गैस पे तो थोड़ा दिक्कत होगी पानी सूखने में, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। कोशिश कर रही हूँ, बन रहा है कि नहीं। पूरी तरह से तो हमसे पलटाया नहीं, लेकिन इसको झमड़ दिए अच्छी तरह से। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ ग्रेवी के लिए, तो ये मसाला का जो पानी है वो
ग्रेवी के लिए डाल दिए। अच्छी तरह से पक गया है और हल्का हाथ से इसको ऐसे कर रही हूँ, नहीं तो सब टूट जाएगा। जो फ्राई किया हुआ होता है वो टूटता नहीं है और इसको टूटने से डर रहता है, तो इसी वजह से हल्के हाथ से। बस लहसुन के तड़का लगाऊंगी, पीसी हुई लहसुन है इसका थोड़ा तड़का लगा दूंगी। तो तेल गरम हो गया है, ये पीसी हुई लहसुन है, मछली आप बैठा हुआ बना सकते हैं, जमरुआ भी बोल सकते हैं, बैठा हुआ भी बोल सकते हैं इसको, कोई भी मछली आप बना सकते हैं। ये पंगास है, आप रोह भी बना सकते हैं, कतला भी बना सकते हैं, जो भी वैरायटी है उसे आप बना सकते हैं। लहसुन के फ्लेवर ऊपर से आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा तड़का लहसुन और लाल मिर्च से दे दूँगी। पकाऊंगी इसे, ज्यादा नहीं पकाना, और लाल मिर्च। चावल से खाइए, रोटी से खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी एमी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। देखने में तो अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। ग्रेवी मतलब बहुत ही गाढ़ा है, पानी इधर नहीं है, गाढ़ा है। और दादी बनाती थी बचपन में, तुम लोग खाए याद है वो, बहुत टेस्टी लगता था। ये देख सकते हैं काफी अच्छा, मतलब ग्रेवी है इसका, गाढ़ा है, ऐसा नहीं कि पानी इधर बिल्कुल पतला होगा, बहुत पानी आ रहा है। ये देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है, खा के बाइट लेके बताता हूँ आपको। मजा आ गया, डिलीशियस। मतलब कि इसमें थोड़ा सा
तीखा ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको फिश खाना दिखाता हूँ। फिश भी काफी सॉफ्ट है, जो ये स्टाइल बनाने का चिमरुआ, इसमें फ्राई वाला जो होता है उसमें क्या होता है, टाइट रहता है थोड़ा सा, पीस सॉफ्ट होता है। हाँ, इसमें क्या है, पीस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और खाने बिल्कुल मुंह में मेल्ट हो जा रहा है, घुल जा रहा है बिल्कुल। काफी टेस्टी, बहुत मजा है, ग्रेवी बहुत अच्छा है। और आप भी देखिए, इसमें काला वाला सरसों है। हाँ हाँ, उनको भी खिलाओ, उन लोग आप लोग खाओ।